नौशहरा सेक्टर के कलाल एरिया ने जवान शहीद नौशहरा वासियों ने लगाए अमर जवान शहीद रे भारत माता की जय के नारे। ले रहा है रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये सहा नहीं जा रहा। जितने भी युवा हैं वो अभी जैसे देख रहे हैं कि जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फिर से दो फाड़ दिया जाए। और जैसी ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम सुबह उठेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान अपने ही रहा। पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30-35 साल से जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है वो पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान एक उग्रवादियों का देश है। और वो जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेना है और उनके साथ जो सिविलियन एरिया है उसको भी टारगेट करता है। आज सुबह ही करार सेक्टर, बागोड़ी सेक्टर में, जींग में, रात को शेर मकड़ी लाम सेक्टर, जंगल सेक्टर में पाकिस्तान ने इतनी जबरदस्त फायरिंग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे 20 सैनिकों ने गलवान घाटी में अपना बलिदान दिया, इसलिए हमारे एनजीओ ने हमारे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया था और एनजीओ के कई सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा लिया। श्री करण गंडोत्रा धर्मशाल तहसील कालकोट राजौरी, श्री उत्तम सिंह खवास राजौरी, सरदार जतेंद्र पाल सिंह बख्शी नगर जम्मू सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अनिल घग्याल की खास रिपोर्ट। डेली विजिट द्वारा किया गया प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी कार्यालय अखनूर में आज सालों से कार्य कर रही अलग अलग विभाग में डेली विजिट द्वारा सरकार और विभागों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रधान सतीश शर्मा ने कहा कि एक तरफ यूपी सरकार 10,000 नई नियुक्तियों के लिए आवेदन ले रही तो वहीं सालों से पीडब्ल्यूडी के एनडी विवाही सहित अन्य विभाग सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में सरकार यूपी साथ ही वे आज हम मजबूर होकर एई पीडब्ल्यूडी कार्य में प्रदर्शन करके तालाबंदी किए हैं। ब्लॉक अर्निया के पंचायत कुलपचील के सरपंच सुभाष सैनी ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनकी पार्टी के पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा द्वारा हार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा, सरपंच सहित काफी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा जिसमें पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। आज कुल कलां बस्ती नंबर 2 में जहां पूरे इस एरिया के हमारे काफी सारे सरपंच पंच और प्रोमिनेंट यहां के जो लोग हैं उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। सबसे बढ़िया हमारे यहाँ के सरपंच जो हैं बड़े ही एक्टिव सरपंच हैं, दूसरी बार सरपंच बने हैं सुभाष सैनी जी और इनके साथ पंचज हैं गणेश जी, रविंदर जी, संजय जी और एक हमारे बड़े ही यहाँ प्रमिनेंट रवि सैनी जी जो सैनी बिरादरी के प्रधान भी रहे हैं, ताराचंद जी जो सैनी बिरादरी के चेयरमैन रहे हैं और उनके साथ इनकी पूरी टीम जो है उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। हमने जहाँ आकर इनके गले में हार और पार्टी का पटका डाल के इनका जहां स्वागत किया है। अपनी मांगों को लेकर सोमवार कटरा में जल शक्ति विभाग कार्यालय के परिसर में जल शक्ति विभाग में कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारी यूनियन के प्रधान पवन कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 50,000 रिक्त पद भरने को लेकर स्वागत करती है, परंतु सरकार द्वारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत 10,000 नई नौकरियां देने की घोषणा की गई, परंतु इसमें स्थायी कर्मचारियों के लिए मात्र 5 अंक रखे गए हैं जिसको लेकर स्थायी कर्मचारियों को न के बराबर ही नौकरियां मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमन पादा के साथ कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। कि हमारी गरीब आवाम जो है लगभग 20-22 सालों से हम वेरियस डिपार्टमेंटों में आज PHE ऑफिस में खड़े हैं जिसमें हमारे PWD के साथी भी हैं, इरिगेशन के साथी भी हैं, फ्लड कंट्रोल, अलग अलग एरिया से हमने 2-2, 4-4 साथी हमारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारी जो 22 और 23 को टूल डाउन स्ट्राइक का हमने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय जो है जो 50,000 पोस्ट जो सेंटर ने जम्मू कश्मीर यूटी में फिलअप करने का निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है जिसने 10,000 न्यू रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी का ऐलान किया है उसके खिलाफ हमारी जो है 2 दिन की टूल डाउन स्ट्राइक है। आज रियासी में जम्मू कश्मीर में टेम्पो यूनियन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें तमाम टेम्पो ड्राइवर ऑनर्स उपस्थित रहे। इस मीटिंग में टेम्पो मालिक को आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई, साथ में उन्होंने केंद्र सरकार से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उस पर कहीं भी ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचा, हम उपराज्यपाल से मांग करते हैं उस पैकेज का जो फायदा ड्राइवर को भी मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरपंच राजपाल कालोत्रा को
महोशा सुधार सभा अरसपुरा कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि संसार चंद को कार्यकारी महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभा का कार्यकारी प्रधान बनने पर सरपंच राजपाल कलोत्रा ने बिरदारी के समस्त लोगों का धन्यवाद किया और कहा बिरादरी के लोगों ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी उस पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपनी बिरादरी का तमाम जो बिरादरी है हमारी पांच तहसीलों की, जैसे अंदरा तहसील है, विश्वनाथ तहसील है, सुचेतगढ़ है और आरसपुरा तहसील है, मैं इन सब का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे यो कार्यकारी का यो प्रधान जो बनाया गया है। तो मैं अपने राव साहब का, जो एमएलए राव है हमारे जेएनके के जो प्रेसिडेंट हैं बरादरी के, और श्री सोमनाथ जी जो मजोत्रा साहब हैं जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका भी, और उनके साथ आई हुई जो हाई कमान की जितनी भी टीम है मासा सदर सफा की, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कस्बा त्रियाट के सरपंच सीमा देवी ने पंचायत के ग्रामीणों को मास्क वितरण करने का कार्य किया, एक डेढ़ माह पहले शुरू किया था, उसे सरपंच ने अभी भी जारी रखा हुआ। इसी कड़ी में सरपंच ने आज 1000 मास्क पर वितरण किए। इस दौरान सरपंच सीमा देवी ने कहा कि पहले भी 2-3 बार मास्क वितरण किया गया और पंचायत के सभी 9 मेंबरों को मास्क देकर उन्हें ग्रामीणों में वितरण करने को कहा गया था। हर एक वार्ड में करीब 100 मास्क वार्ड मेंबर को दिए गए थे जिन्हें ग्रामीण में वितरण किया गया। अनिल कंक्याल की खास रिपोर्ट। बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल शर्मा ने सोमवार को पंचायत गोंदला के गांव चक बख्तावर में सड़क को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के नायब सरपंच सरताज सिंह लाडा, म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित पंचायत के कई अन्य प्रतिनिधि विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नायब सरपंच ने कहा पंचायत के लोगों की जय पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया, और हमारे पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के भी अफिसरान को बुलाया गया था। तो तब जहाँ पे जो रोड है बड़ा डीप है तो इसमें पानी खड़ा हो जाता था और एक नहर बन जाती थी, लोगों को गांव तक पहुंचने की बड़ी समस्या रहती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, ये पास में स्कूल है, इसमें पानी घुस जाता था। तो तब हम सब ने मिलकर के प्रयास किया तो आज इसका जो अर्थ फिलिंग का और RBM जो डलेगा उसका काम आज हमने शुरू करवाया है। नायब सरपंच सरताज सिंह लाडा, और ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि चक बतावर का रोड मेरी पंचायत में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था ये था, इसका इतना इशू था, आज मैं इतना खुश हूँ। सांबा में सिर्फ धर्म समन्वय ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें चीनी सामान का बहिष्कार करने के भी प्रण लिए गए। हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने आज एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से, सभी समाज से यहाँ लोग आकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें कुछ गुज्जर समाज के लोग आए हैं मेरे साथ ही, तो उन्होंने अपनी अपनी सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस अवसर पर हमने एक भाईचारा कायम करना की कोशिश की है कि ताकि सब में भाईचारा बना रहे,